से सुनते आई हैं, लेकिन आज हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इस ब्रांड को नीचे से आप देखिए बड़ा किया है, इस मुकाम तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम सिंघानिया साहब की, जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और गौतम साहब को दरअसल इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप और हम सब जानते हैं। स्पीड इनको पसंद है, गाड़ियों से इनका लगाव है और कंपनी को भी ये उतने ही पैशनेटली चला रहे हैं। सर सबसे पहले आपके फेवरेट जो आपके दिल के काफी करीब है उस टॉपिक से शुरू करूंगा, उसके बाद कारोबार की बात करेंगे भारत के और विदेश के भी। लेकिन स्पीड आपको एनर्जी देती है, आपको पुश करती है। मुझे बचपन से गाड़ियों का शौक है जी, और गाड़ियों को रेस करने का शौक है। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें जिसको लेकर के मैंने जिंदगी में बहुत सीखा है। जैसे कि अगर आप रेस करते हैं तो एक तो उसका फ्रिंज बेनिफिट ये है कि आपको फिट रहना पड़ता है। बिल्कुल, आपका बदन अगर फिट हो तो फिर आपका माइंड भी फिट रहता है, एक डिसिप्लिन आ जाती है ज़िंदगी में। और जब आप रेस करते हो तो आपको स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। बिल्कुल, ये आपका माइंड कंटिन्यूसली ट्रेन होते रहता है। तो एक ये रेसिंग का जो शौक है तो है, लेकिन वो उसमें क्या है कि एक कंपेटिटिव स्पिरिट आ जाती है कि हर समय आप अपने टोज पे हो, आप गो यू नो पूरे चलते रहता है कि कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसने हमको बहुत सिखाया भी बहुत है, शौक भी बहुत है, इंजॉय भी बहुत करता हूँ, समय भी निकालता हूँ। बिल्कुल, और कंप्लीट मैन का ब्रांड जीते रहता हूँ। ये तो एक एस्पेक्ट है जो सिंघानिया साहब का हमें पता है। लेकिन देखिए सिंघानिया साहब ने जब से कारोबार संभाला उसके बाद से इस ग्रुप को ऊंचे ऊंचे मुकाम तक लेकर गए, रीस्ट्रक्चर किया। मुझे याद आता है सीमेंट कारोबार, स्टील कारोबार, आपने सीमेंट शायद लफार्ज इंडिया को बेचा था, स्टील का कारोबार बेचकर अलग किया और कोर फोकस किया आपने रिटेलिंग पर, गारमेंटिंग पर। ये बताइए भारत की कंजम्पशन स्टोरी के ऊपर आप कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि आपने उस समय ये डिसीजन लिया था, शायद 2000 की बात है, और उसके बाद से भारत की रिटेल स्टोरी ने लीप्स में ग्रो ही किया है, इस पर आपका इस समय विजन? आज रेमंड की जो दुकान हम खोल रहे हैं, आज के तारीख में हर डेढ़ दिन हम एक दुकान खोल रहे हैं। अच्छा, हमने प्रोजेक्ट 300 लिया, वो जो ये मार्च को खत्म होगा। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि कंजम्पशन है। आज मुजफ्फरपुर या जबलपुर से कोई बॉम्बे नहीं आ सकता है क्योंकि वो कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन हम मार्केट में जा कर के गुड्स बेच सकते हैं। आज जो इंडिया में हो रहा है ये कंजम्पशन स्टोरी जो आप पूछ रहे थे, कंजम्पशन सब जगह हो रहा है। और कंजम्पशन क्या चीज़ से ड्राइव होता है? कंजम्पशन एक्सपोजर से ड्राइव होता है। अब छोटे छोटे गांव में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू मीडिया मिल रहा है, टेलीविजन के थ्रू मीडिया मिल रहा है। अब लोग देखते हैं कि अरे ये देखो ये टीवी शो चल रहा है, ये देखो कैसे कपड़े पहने, मेरे को भी ऐसे कपड़े चाहिए, जब मेरे को भी चाहिए तो दुकान भी उधर चाहिए। तो ये एक विशेष साइकिल है। इसमें ही क्या एक्सपैंड करने की और योजना है? जैसे अगर मैं आपकी बात सुनूं और सोचूं कि और क्या हो सकता है, बच्चों का बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है। आज भी अगर आप विदेश ट्रैवल करें तो आप देखते हैं कि कितने फॉर्मेट्स हैं बड़े बड़े जो केवल और केवल बच्चों के कपड़ों के ऊपर फोकस करते हैं। क्या आगे चलकर रेमंड इसके ऊपर फोकस करेगा? हम सोच सकते हैं, ये एक हेडलाइन हमें मिल सकती है। आज हम नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, आगे जाके हम डाइवर्ट नहीं करेंगे क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का काम हमने किया है पहले। हमारा ब्रांड था जैप करके जी, और वो जरा ज़्यादा मुश्किल है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी अभी। हमारे पास कॉटन में अभी स्कोप है, डेनिम में स्कोप है, तो अलग अलग वर्टिकल हैं जो हमारे लिए आज ज़्यादा प्रायोरिटी है। इसके अलावा जो एक चेंज देखने को मिल रहा है इस समय इंडस्ट्री में, वो ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बन रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि ये भी ग्रो करेगा और स्टोर्स भी ग्रो करेंगे, या आपको लगता है ऑनलाइन का कोएग्जिस्टेंस रहने वाला है आपको लगता है, और रेमंड भी क्या उस कारोबार? देखिए आज हमारे धंधे में शॉपिंग ज्यादा इंपल्सिव रहती है। हम पिक्चर देखने गए मॉल में, अभी पिक्चर का एकदम ऊपर रहता है, आप निकलते हुए घूमते हुए आए मॉल में, दुकान दिख गई, खरीद लिया, ठीक बात है। इंपल्स परचेज ज्यादा होता है। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिलाय जाते हैं, घूमने जाते हैं, लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे खड़े हैं,
क्या हुआ, चलो सेल्फ्रिजेस में चले जाओ, सेल्फ्रिजेस में चले गए, खरीदने का मूड है नहीं, कुछ खरीद के आ गए, हैरेड्स में गए कुछ खरीद ही लिया, खरीद लिया। हैरेड में तो बड़े बड़े लोग शॉप करते हैं, हम तो खाली रेमंड में शॉप करते हैं, हमारे तो सब कपड़े रेमंड के ही है। नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और लंदन के बड़े बड़े लोगों को भी आपने कपड़े, आपके कपड़े पहन रहे हैं, ये हमें सर पता है, हमारा चैनल चेक हमें ये लगातार बताता आ रहा है। लेकिन जो आपने कहा 1.5 दिन में नया स्टोर खोल रहे हैं, ये मॉडल और ग्रो होगा क्या, और ये एसेट लाइट मॉडल मैं पढ़ रहा था, इसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, हम फ्रेंचाइजी रूट के थ्रू जा रहे हैं, और आज जो बिजनेस मॉडल हमने बनाई है वो लोगों को पोसाता है, सही है, वो पैसा कमाता है। अगर वो पैसा कमाएगा, हमें हमारे भाषा में जो मारवाड़ी में बोलते हैं धनी कौन है, तो धनी तो वो फ्रेंचाइजी है, उससे एफिशिएंट तो मैं नहीं चला पाऊंगा। सही बात, हमको रियलाइज करने की, हम सोच ले हम कितना एफिशिएंट है, लेकिन जो धनी है जिसका पैसा लगा है वो हमसे ज़्यादा एफिशिएंट चला पाएगा, और वो उसी समय करेगा फ्रेंचाइजी मॉडल जब वो पैसा कमाएगा, क्योंकि वो खुद का पैसा लगा रहा है। तो ये मॉडल हम लोग काफ़ी सालों से सीखते हुए आ रहे हैं, एंड अभी ये मॉडल हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये मॉडल आपके लिए बढ़िया रेवेन्यू क्रिएट करके देने वाला है, क्योंकि एसेट लाइट है। एसेट लाइट है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा ये बताइए, ये तो भारत के कारोबार की आपने बात करी, विदेश में हाल ही में जब हम जब आपके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स देख रहे थे, तो आपने विदेश में भी एक्सपेंशन किया है, पूरा एक्सपेंशन कम्प्लीट हो गया है, उसके फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, विदेश में दो तरीके के, एक तो हमने एक्सपेंशन मैन्युफैक्चरिंग में किया है, जो इथोपिया में किया है। इथोपिया की थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थिंग्स आर ओके। दूसरा हमने रिटेल में किया है, जैसे मिडिल ईस्ट में, तो हमने दुकानें जितने खोले हैं, हम ज़्यादा आज एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दुबई वगैरह की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑफिस जो दुबई में है इज़ डूइंग वेल। हमने अमेरिका मार्केट को बहुत सीरियसली लिया, यूके मार्केट को सीरियसली लिया, ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है। आज यूएस में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर्स मेसीज करके, मेसीज के अंदर हमने मेड टू मेजर चालू किया है। तो अगर आज आप मेसीज में जाएं, एक ब्रांड है अंदर टेलर मेड, आप उधर जाएं, उसका गारमेंट बेंगलोर में बनता है। अच्छा। तो आप जैसे ही जाएं, ऑर्डर चले, एक सेकेंड के अंदर बेंगलोर में कटिंग चालू हो जाती है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। वाओ, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब काफ़ी लोगों को शायद ये नहीं पता होगा जो आज आप बता रहे हैं। ये ग्रो करने वाला है, विदेश का धंधा भी इसी स्पीड से, और अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्जिन्स कहाँ पर ज़्यादा हैं? देखिए, मार्जिन्स तो हमेशा इंडिया में ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ब्रांडेड हमारा, वहाँ पर हम प्राइवेट लेबल करते हैं, लेकिन एफर्ट तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कस्टमर को हमने, देखिए इसमें एक तो हम सप्लायर थे, और जैसे ही आप सप्लायर से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाए, ठीक बात है, और एक सर्टेन क्रिटिकल मास से बड़े सप्लायर, तब मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। ठीक बात है। तो मेसीज जैसे मॉडल पर आप और तेजी से काम करेंगे दुनिया के दूसरे ऐसे देशों में इस तरह के फॉर्मेट्स वाली कंपनियों के साथ? मेसीज में एक टेस्ट प्रोजेक्ट था हमारा, आई थिंक आज के तारीख में 15 दुकान मेसीज के खुल चुकी हैं 1.5 महीने के अंदर। ओके। तो हम लोग जो भी करते हैं बहुत स्पीड से करते हैं, कोई समय नहीं है, किसी को टाइम नहीं है। तो आई थिंक ये अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा, अभी 2-3 और रिटेलर के साथ बात है कि हम ये आपके लिए कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता आपके लिए दुनिया में, क्योंकि मेड टू मेजर का जो हमको 5-6 साल लगा, 7 साल लगा सीखने के लिए, वो आज कोई नया कंपेटिटर कंप्रेस नहीं कर सकता। चाइना के बारे में आपका व्यू क्या है इस समय, ये बताइए। पर तो मैं इसको 2 तरीके से आंसर करता हूँ। पहले तो जितने लोग हमारे कंपनी में बोलते थे कि चाइना 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 का माल, तो मैंने कहा कि चाइना का माल ही बिक रहा हो तो आपके एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहे हैं? ठीक बात है। खुद सोचिए कि विदेश में कोई बैठा वहाँ से देख रहा है कि हम इंडिया से खरीदें, हम क्यों खरीदेंगे इंडिया से अगर हमारे को चाइना से अच्छा माल मिल रहा है? तो एक तो पहला माल में क्या है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्रेडिबिलिटी ऑफ डीलिंग, टर्म्स वाला एक टोटल पैकेज है। एंड ऑफ द डे उनका कॉस्ट शायद थोड़ा सा कमती भी हो जाए, लेकिन टोटल पैकेज आपका तो अच्छा है, सही है, इसलिए तो आपसे खरीद रहे हैं। बिल्कुल। नंबर टू, मैं 2007 में चाइना गया था जी, एंड मेरे को एक चीज बहुत स्ट्राइक हुई, भी आज भी आती है माई माइंड, मैं टेक्सटाइल के फैक्ट्री में गया था और 2 चीज मैंने देखी। एक तो फैक्ट्री में 40-40 फुट के कॉरिडोर थे जो ग्रेनाइट में बने थे। ओके।
ओके, उसका कॉस्ट कोई तो पे करेगा, चाहे गवर्नमेंट पे करे या कोई पे करे. अगर मैं सीमेंट का फ्लोर लगाऊं, टाइल लगाऊं, वो ग्रेनाइट लगाए, तो उसका खर्चा तो मेरे से ज़्यादा होना पड़ेगा. सही बात है. नंबर टू, हमने एक चीज़ नोटिस की कि फैक्ट्री में अगर आप चल के जा रहे हो, नोबडी वॉज अलाउड टू लिफ्ट द हेड. अब आप सोचो कितना कंट्रोल है आदमी के ऊपर, कि जो आदमी काम कर रहा है अगर फॉरेनर की मुंह तक नहीं देख सकता, इतना रेजिमेंटेड डिसिप्लिन हो, तो कभी तो बैकफायर करेगा. डर से काम कर रहा है, डर से काम कर रहा है, उसका रिबेलियन कभी तो होगा. कोई देख ले, कोई विजिटर आए, एक स्माइल कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है. सही बात है. लेकिन ये नहीं हो रहा, ये एक थोड़ा दबाव था. आज आप देखिए चाइना का कॉस्ट इतना भयंकर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो कोई पे कर रहा था वो आज फैक्ट्री पे कर रही है. तो जो सब्सिडी थी वहाँ पर, जो सब्सिडी थी वहाँ पर, जो सरकारें बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिवाइज कर रही थी, वो जिंदगी भर नहीं करने वाली. कैसे करेंगे? देखिए इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स होता है, कॉस्ट कॉस्ट होता है, चाहे आप पे कर लो कॉस्ट या चाहे मैं पे कर लूँ कॉस्ट, किसी को तो पे करना पड़ेगा. उसके बाद आपने ग्रुप में सीधे फोकस किया टेक्सटाइल कारोबार पे, और अब आप बता रहे कि इस ग्रुप में आप और इस कारोबार को बढ़ावा देना चाहते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में. तो एक सवाल जहन में आता है, फिर जो आपका दूसरे कारोबार है एफएमसीजी कारोबार, उसको भी आप इसी में देखते हैं, इसी टेक्सटाइल अम्ब्रेला में देखते हैं, या आगे चलकर उसको कुछ अलग करने का विचार है आपका? सो एफएमसीजी कंपनी जो है वो एक अलग कंपनी है. हम लोग ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया है कि पूरी मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो जाएगी. हमने एक हाई लेवल पे डिसीजन लिया है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा तोड़ करेंगे. और जैसे कि एफएमसीजी है बिजनेस, हमने क्या किया कि बाहर का चेयरमैन बनाया, पूरा इंडिपेंडेंट बोर्ड है, उसकी मैनेजमेंट टीम है, एंड शेयर होल्डर अलग है. सही है. आई एम ओनली वन मेंबर ऑन द बोर्ड. बिल्कुल. आई एम ओनली वन मेंबर ऑन द बोर्ड. वी पूरा फोकस वो कंपनी पे, आउटसाइड का चेयरमैन है, आउटसाइड का मैनेजिंग डायरेक्टर सब, उससे वो बिजनेस बढ़ेगा. सेम इन लाइन विथ माई फिलोसफी. अभी महीना भर पहले आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो अपैरल कंपनी थी उसमें भी मैंने चेयरमैनशिप छोड़ दी. जी हाँ. और निर्विक सिंह को चेयरमैन बना दिया. एंड आई थिंक निर्विक सिंह एक काफ़ी होशियार आदमी है, काफ़ी समय से आपके साथ हमारे यहाँ बोर्ड पे थे. लेकिन आज इंडिया में लोग अपने कंपनी को छोड़ते नहीं है. ठीक बात है. सब चीज कंट्रोल करना है, मोह जो रहता है. बट कभी कभी हम लोग जितना ज्यादा छोड़े ना उतना ज्यादा कंट्रोल मिलता है, क्योंकि हमारी कंपनियां बढ़िया होती है, बढ़िया बेहतरीन कंपनी बनती है, इससे हमको ज्यादा खुशी होती है. बिल्कुल ठीक बात है. तो आगे चलकर वो रहने वाला है आपके साथ और ग्रो अच्छा करेगा, और उसके बाद क्या उसका एट द एंड प्लान क्या है आपका? अब देखिए हमारी एंड प्लान, बिगनिंग प्लान, मीडियम प्लान, जो भी आप सोच लो एक ही है, टू एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू. ऑलराइट. और यही है एक मंत्र. देखिए बोलते हैं ना, जो लंबी स्ट्रेटेजी है वो नहीं चलती है. आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल एक लाइन की होनी चाहिए. ये ग्रुप की स्ट्रेटेजी इज टू एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू. ठीक है. तो तीन शब्द की बात है. तो कुछ लोग कहते हैं कि ये शेयर होल्डर वैल्यू तब और एनहेंस होगी जब इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, ये कारोबार अलग होगा. ऑटो सर देखिए आप राइट चीज करोगे. हर बिजनेस में एक तो ग्रुप लेवल पे है, एक बिजनेस के लेवल पे है. अगर आप सही चीज करोगे विद द राइट इंटेंट, अगर आपकी नीयत ठीक है तो सब चीज ठीक हो जाएगी. ऑटो कंपोनेंट के कारोबार के बारे में बताइए, इसको आप किस तरह से आगे ग्रो करने की सोच रहे हैं? तो जो अपना ऑटो कंपोनेंट का धंधा है उसका आरओसी इज अमंगस्ट द बेस्ट इन द ग्रुप, एंड अगेन इट इज डूइंग वेल. इसकी डिमांड है, ग्रोथ अच्छी है. लेकिन जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आए, जैसे हमने बहुत बार कह चुके हैं कि हर बिजनेस बिकाऊ है एट द राइट प्राइस. कमडी कम एंड शो मी द मनी, एवरीथिंग इज फॉर सेल. बिकॉज यू गो अप यू हैव टू एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू. हमको उसमें धंधा में ज़्यादा पैसा बनेगा तो हम रखेंगे, हमको कोई ऐसा पैसा देगा तो हम बेच देंगे. हमको कोई इमोशन नहीं है. ठीक बात है. हमारे को इमोशन है टू एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू. दैट्स ऑल आई एम इंटरेस्टेड इन. ऑल राइट. चलिए तो आगे चलकर अगर कोई बहुत बढ़िया ऑफर आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे. इसमें देखिए बिजनेस में यू हैव टू बी नॉन इमोशनल. जो सही चीज है वही करनी है. ठीक है. इसमें जब इमोशन आ जाता है, आज
मेरे को बहुत लोग ने पूछा आपको गाड़ी का इतना शौक है, आपने गाड़ी का धंधा क्यों नहीं चालू किया, ऐसे वो सबसे बेहतरीन गलती होती। आपको एविएशन का भी बड़ा शौक है और आपने एयरलाइन कंपनियों में कभी पैसा नहीं लगाया। देखिए मैं 24 घंटा में एक एविएशन डील साइन करने वाला था, मुझे याद है इंडिगो शायद उसमें नाम नहीं लेना, बट मैंने पूरा काम कर दिया साइन करने वाला था एंड मैं 24 घंटे के लिए अपने फार्म पे गया। मैंने बोला ये बहुत जल्दी हुआ है कि मैंने 24 घंटा में अकेले बैठा जी, और फिर मैंने कर वापस आकर कहा कि मैं ये डील नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये मैं गलत रीज़न, मैं इमोशन पे कर रहा हूँ जी, और इमोशन पे मैं करूँगा। हम लोग सोचते हैं कि हम चले जाएं एविएशन में अच्छा ही होगा, आपने देखा बीच में 5 साल बहुत ख़राब गया एविएशन का, वो 5 साल में मेरे रेमंड ग्रुप को क्या हो जाता। तो एक इमोशन पे हमको नहीं करना। नंबर टू, हमारे ग्रुप में एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी बोर्ड है, पीपल है, सबको साथ में लेके चलना है, ये एक डिसीजन है। ऐसी जगह नहीं हो कि गौतम सिंघानिया आके बोला कल को एविएशन में चल जाओ, कल को शिपिंग में चल जाओ और चले जाओ, ऐसे ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है मेरा। ठीक बात। और मेरे को क्रिएट भी नहीं करना क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ जी जो हजारों साल चले। सही है। और वो चलेगी इंडिविजुअल पे नहीं, एक सिस्टम्स और प्रोसेसेस पे चलेगी और वो क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, अब ये बहुत ही बढ़िया लगी बात आपकी सर। और पिछले कुछ दिनों से जब भी रेमेंट की बात होती है तो कहते हैं कि रेमेंट में एक कारोबार बहुत बढ़िया है और दूसरा लैंड बैंक बहुत ही ज़बरदस्त है। इस लैंड बैंक को मोनेटाइजेशन को लेकर अलग अलग अटकलें लगती रहती हैं समय समय पर कि इसमें से 20 एकड़ बिक जाएगा, 25 एकड़ का एक डेवलपमेंट आप करने वाले हैं, प्लान क्या है सर इस समय? एज एंड व्हेन हम लोग आज बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर वैल्यूएशन को छोड़ के सर उसके अलावा तो क्या हो सकता है? वही एक प्लान है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर तो मैं हूँ। ठीक बात है। तो शेयर होल्डर वैल्यू ही क्रिएट करनी है ना, उसमें मेरे को जो भी करना है मैं वही करूंगा जिससे शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि सबसे लार्जेस्ट गेनर तो मैं हूँ। बिल्कुल सही है। तो वही चल रहा है। जैसे जैसे 20 एकड़ हमने डेवलप करने का इंटेंशन अनाउंस किया है जी, वो होएगा। तो ये आप खुद डेवलप करने वाले हैं किसी के साथ मिलकर या वो बब? हमने अनाउंस किया है कि हम खुद डेवलप कर रहे हैं। खुद डेवलप आप उसको करने वाले हैं और आपको लगता है कि ये एक कारोबार जो है इसमें खूब पोटेंशियल है? देखिए जो हम डेवलप कर रहे हैं जी, हम लोग ने सब ऑप्शन देख लिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनी, ओके, एंड दिस विल मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। सब चीज जाकर के वहीं पे आती है आप कोई भी तरीके से ले लीजिए, सब मिलकर के वहीं। तो कब तक सर ये शुरू होगा प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं? जैसे ही डेट मैं निर्णय करूंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी और ये कितने साल चलेगा प्रोजेक्ट जनरली? क्योंकि जैसे जैसे डिटेल्स फाइनलाइज होते जाए, अभी सब प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे जैसे डिटेल्स फाइनलाइज होते मैं बताते जाऊंगा। मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कभी कुछ छिपाता तो हूँ नहीं। बिल्कुल। बट देर आर सम गवर्नेंस इश्यूज, सम रूल्स व्हिच आई कैन नॉट ब्रेक, बट अदरवाइज प्लीज आस्क मी एनीथिंग। पिछली बार जब हमारे नेटवर्क पर आपने इंटरव्यू दिया था तो आपने कहा था कि आपको आपका शेयर में बहुत वैल्यू नजर आती है और आपने खुद क्रीपिंग एक्विजिशन किया है अपने शेयर में, अभी भी आपको लगता है कि अंडर प्राइज्ड है आपका शेयर? देखिए मैं कभी कमेंट करता नहीं हूँ, बट मैंने जितने शेयर्स खरीदे हैं वो सब पब्लिक डोमेन में। ठीक बात। मेरी लाइफ ये कंपनी से जुड़ी हुई है और मेरे को ये कंपनी में प्रूव करना है कितना पोटेंशियल है। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि तुमने रेसिंग कर लिया, मजा कर लिया, ये कर लिया वो। अब एक फेज़ ऐसा आ गया है मेरे लाइफ में जिसमें मुझे एक नाम बनाना है कि गौतम सिंघानिया किसकी जो भी पेज 3 इमेज बनाई थी कि ये एक बिजनेसमैन भी है और हम लोग पूरा लगे हुए हैं उसमें। क्या वैल्यू होगी शेयर की, दैट इज नॉट व्हाट वी फोकस ऑन। वी फोकस ऑन बिजनेस, द रेस्ट विल फॉलो। वो दिख रहा है सर, मतलब कहने वाली बात नहीं है लेकिन वो दिख रहा है जिस लगन से आप काम कर रहे हैं और जिस लगन से आपने ये इंटरव्यू भी दिया है वो साफ झलक रहा है कि आप इस कंपनी को और नए ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस आपकी आगे की योजनाएं फिर हम यही माने कि रियल एस्टेट सही तरीके से बढ़िया तरीके से डेवलप होगा, वहां से एक अच्छा पैसा आता हुआ नजर आएगा। एक मिनट, मैंने कहा प्लीज राइटली समझ, रियल एस्टेट में हम जो करेंगे, आज मेरे को अगर ऑफर मिले एट द राइट प्राइस आई विल सेल द होल लैंड टुमारो मॉर्निंग। ओके।
If it is beneficial to develop, I will develop. If it is beneficial for joint development, part sale, जो भी है, जिससे higher shareholder value create होगी, मैं वही करूँगा। तो मेरे मैं development से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं divestment से नहीं averse हूँ, मैं joint development से नहीं averse हूँ, मैं खाली प्रेमी हूँ shareholder value creation से। बिल्कुल ना, किसी तरह की interest मैं देखता हूँ विदेशी कंपनियाँ भारत में खूब मन लगाकर कमर्शियल रियल एस्टेट में पैसा लगा रही हैं। ब्लैकस्टोन ने हाल ही में भारत में खूब बड़ा निवेश किया है। जो रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं, आप डेवलप करना चाहते हैं, वो कमर्शियल आप उसे बनाने का विचार कर रहे हैं या दोनों तरह का मिक्स बनाने का विचार? जो हमने अनाउंस किया है वो फर्स्ट 20 acres है फॉर रेसिडेंशियल अफोर्डेबल हाउसिंग। ओके, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर आपका फोकस होने वाला है और उसके बाद वो जो हमने अनाउंस किया आगे चलकर वो मॉडल सक्सेसफुल रहा, बढ़िया रहा, जैसा कि आपने कहा कि आपने मॉडल ट्राई करते हैं उसके बाद वो बढ़िया रहा तो फिर उसको बहुत तेजी से रेप्लिकेट करते हैं, समय नहीं देते हा? तो फिर वो मॉडल ही आगे बढ़ेगा। आगे की मैं बात नहीं बोल सकता, तो आज ही की बात कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए CNBC आवाज़ पर आज हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया।